हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लास्ट वीक क्या एक्शंस हुए मार्केट में और उसके बेसिस पे जो कमिंग वीक है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में और कुछ मेजर स्टॉक्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस के जो भी ट्यूटोरियल वीडियोज हैं जो हमने पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं, आप उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं कि जो भी इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, डेरिवेटिव एनालिसिस क्या होती है और उसके इंडिकेटर्स कितने इफेक्टिव हैं ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। और आप हमारे डैशबोर्ड को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं हमारी मेल आई डी पे, और हम आपको डैशबोर्ड का लिंक मेल कर देंगे। हमारे डैशबोर्ड का ट्रायल वर्जन फ्रीली एक्सेसिबल है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को जो भी ट्रेडिंग डे था उस दिन मेनली क्या एक्शन हुए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द डेली समरी पेज, और आइए देखते हैं लास्ट फ्राइडे यानी 18th ऑफ दिसंबर को क्या एक्शंस हुए मार्केट में। तो स्टार्ट विद द निफ्टी, 29 स्टॉक्स में हमें एडवांसेस दिखे और 21 में डिक्लाइंस दिखे। निफ्टी में हमें मार्जिनल सा राइज दिखा और बैंक निफ्टी में हमें स्लाइट नेगेटिव देखने को मिला। FIIs की बात करें तो दे हैव कंटिन्यूड देयर बाइंग स्प्री, और हम देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छे नेट बायर्स रहे फ्राइडे को भी, और एज कम्पेयर टू DIIs जितना सेलिंग कर रहे हैं। हमें इंडिया विक्स में जो है डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि अगर मार्केट स्टेबल है हायर लेवल पे और विक्स में डिक्लाइन है और 3% का ऑलमोस्ट डिक्लाइन देखने को मिला फ्राइडे को, तो एक पॉजिटिव साइन है कि इतने हायर लेवल्स पे भी मार्केट में पैनिक नहीं है और हर डिप पे बाइंग हो रही है। हमने देखा कि फ्राइडे को डिप आया और वो डिप एकदम से बाय हुआ और फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास आ गए। तो हम देखते हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है बाइंग का नेक्स्ट वीक, और उस तरह से हम देखेंगे कि निफ्टी के क्या मेजर और सपोर्ट लेवल्स हैं आगे इस वीडियो में। फिर हम देख लेते हैं कि USD INR में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला, फ्लैटिश सा ही रहा। अब हम सेक्टर्स देख लेते हैं कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए। निफ्टी IT, फार्मा और उसके साथ हमें FMCG और जो है निफ्टी को हमें थोड़ा सा राइज देखने को मिला, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं। तो यानी जो तीन सेक्टर्स हैं निफ्टी के अलावा, जो तीन सेक्टोरल इंडेक्सेस में जो थोड़ा सा हमें राइज देखने को मिला है, वो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं। तो थोड़ा सा हमें फ्राइडे को दिखा कि पैसा थोड़ा सा वापस से डिफेंसिव सेक्टर्स, जो कोरोना वायरस का जो फॉल आया था उसके बाद जो मनी हमें जो तीन सेक्टर्स में राइज देखने को मिला था, वापस से थोड़ा सा पैसा उधर रोटेट हुआ है और जो बाकी कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स थे उनमें हमें थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली है। बट अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है कि मनी जो है एकदम से रोटेट होना शुरू हो गया डिफेंसिव सेक्टर्स में, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में भी हमें हर डिप में बाइंग देखने को मिल रही है। अब हम देख लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेजेस किन स्टॉक्स में अच्छा रहा। आप देख सकते हैं कि कैश मार्केट में जो डिलीवरी उठी है यानी स्टॉक्स में, तो आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी में बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है विद प्राइस राइज, यानी बड़े प्लेयर्स इसमें बाइंग कर रहे हैं। वोल्टास जो ब्लू में स्टॉक्स हाइलाइटेड हैं, दोज आर निफ्टी 50 स्टॉक्स, और उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स जो FNO के स्टॉक्स हैं, क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं कि किन में जो टॉप में है, जो टॉप में हम दिखाते हैं यानी जिनमें सबसे अच्छा डिलीवरी परसेंटेज होता है, तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर सेगमेंट में किन स्टॉक्स में बहुत अच्छा लॉन्ग बिल्डअप रहा। तो आप देख सकते हैं कोफॉर्ज विच वॉज प्रीवियसली नोन एज NIT टेक्नोलॉजीज, तो आप देख सकते हैं कि उसमें हमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है फ्यूचर्स की पोजीशन में विद अ प्राइस राइज। फिर क्यूमिन्स इंडिया, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिनमें 5% से ऊपर का जो लॉन्ग बिल्डअप है वो ग्रीन में हाईलाइटेड है, यानी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप है। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो टाटा स्टील, IOC, MFSL और देख सकते हैं RBL बैंक, ONGC में हमें एक शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला विद प्राइस डिक्लाइन, यानी फ्यूचर्स में पोजीशंस बढ़ी हैं और प्राइस गिरा है, तो यानी शॉर्ट पोजीशंस बनी है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें जुबिलेंट फूड में बहुत अच्छी देखने को मिली, यानी प्राइस गिरा है और फ्यूचर्स की पोजीशंस जो हैं वो अनवाइंड हुई हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, अल्ट्रा सीमेंट, आप देख सकते हैं सन TV और निफ्टी 50 में इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ, तो इनमें हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। और लास्ट में शॉर्ट कवरिंग देख लेते हैं, तो डॉक्टर रेड्डी में जो है प्राइस राइज हुआ है और जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी पहले उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया है। चोला फाइनेंस, अंबुजा सीमेंट, गेल, इनमें हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, ICICI बैंक में भी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी डेली समरी। अब हम देखते हैं कि लास्ट वीक, पूरे लास्ट वीक की क्या पिक्चर है, और उस तरह से देखते हैं कि पूरे लास्ट वीक क्या एक्शन हुआ मार्केट में। स्टार्टिंग विद द निफ्टी, निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 2%, ऑलमोस्ट 2% का राइज आया है, स्लाइटली लेस देन 2%, तो एक बहुत अच्छा राइज देखने को मिला निफ्टी में पूरे ओवरऑल वीक की बात करें तो। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी हमें स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला, बट निफ्टी के कंपैरिजन में जो है बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है, उसमें हमें स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला पूरे वीक में 0.36% का।
तो यानी बैंक निफ्टी में मोर और लेस कॉन्सोलिडेशन हुआ है लास्ट वीक पूरा, उसमें ना ही बहुत ज्यादा कोई चेंजेस हुए हैं ऊपर की साइड या नीचे की साइड। आप देख सकते हैं कि फ्लैटिश सा ही रहा है पूरे वीक में। और इंडिया विक्स जो पूरे वीक की बात करें तो वीक ओवरऑल वीक में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, वन ऑलमोस्ट स्लाइट 1% का जो है हमें फॉल देखने को मिला। तो यानी पैनिक नहीं है पूरे वीक भी, कहीं हमें ऐसा पैनिक देखने को नहीं मिला है मार्केट में इन लेवल्स पे। निफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स पे है और बहुत अच्छा राइज दिया पूरे वीक में, और इंडिया विक्स जो है वो स्लाइटली गिरा ही है ओवरऑल वीक में। तो यानी मार्केट में अभी पैनिक नहीं है और हर डिप पे बाइंग हो रही है। आप देखेंगे FIIs अभी भी बहुत अच्छे नेट बायर्स बने हुए हैं एज कम्पेयर टू DIIs जो वो सेल कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा ही स्लाइटली वो बाइंग कर रहे हैं, या तो ज़्यादा स्लाइटली ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो लास्ट वीक भी हमें वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा है और देख सकते हैं कि FIIs बहुत अच्छे नेट बायर्स रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं कि किन सेक्टर्स में जो है हमें फिर हम देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स जो हैं लास्ट वीक ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो रियलिटी, फार्मा, IT, तो ऑलमोस्ट मिक्स रहा है। PSU बैंक्स जो कि बहुत अच्छी रैली कर रहे थे कुछ टाइम से, 2-3 हफ्ते से, उसमें हमें स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एंड देन FMCG और ऑटो में बहुत स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और स्टॉक्स भी आप इस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस पेज का जो बॉटम में जो हम एक मेन ग्राफ दिखाते हैं सेक्टर रोटेशन का, तो वो हम देख लेते हैं जिसमें हम पूरे हिस्टोरिकल 20 वीक्स का डेटा पॉइंट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो निफ्टी कंज्यूमर इंडेक्स में जो है और हमें बहुत अच्छा राइज देखने को मिला और इसने आउट परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन यानी PSU बैंक्स जो पिछले 3 वीक से आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब उसमें हमें स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि वो रेड में था। तो यानी -3% यानी 3% गिरा है, और इस तरह से जो है इन सेक्टर्स में भी स्लाइट हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि मनी जो है वो कैसे रोटेट हो रहा है और कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। अब फ्रेंड्स हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं लास्ट वीक क्या एक्शंस हुए डिटेल में, और उसके हिसाब से नेक्स्ट क्या मेजर और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का जो करंट PCR लेवल है वो 1.62 है, जो कि हाईली बुलिश जोन में है। आप देख सकते हैं कि PCR लेवल जो कि मेंटेन है, आप देख सकते अगर हम ट्रेंड की बात करें PCR के तो स्लाइट डिक्लाइंस के साथ अगर हम देखें, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो PCR का है वो राइज ही हो रहा है। अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो वो इस तरह से स्लोप उसका ऊपर ही है और विद प्राइस राइज। तो यानी PCR लेवल कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ ही रहा है विद सम डिक्लाइन, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो प्राइस राइज के साथ वो ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बैंड की बात करें जिसमें हम दो स्ट्राइक प्राइसेस दिखाते हैं, यानी जिसमें सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है दैट एक्ट्स एज मेजर रेजिस्टेंस, एंड सबसे ज्यादा जिसमें पुट राइटिंग है यानी दैट एक्ट्स एज मेजर सपोर्ट, तो आप देख सकते हैं कि 14,000 इज द मैक्सिमम कॉल एरिया स्ट्राइक प्राइस जिसमें सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग सबसे ज्यादा 13,000 में। तो ये दो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए। फिर हम फ्यूचर्स के क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि निफ्टी में बहुत अच्छा फ्यूचर्स का पिछले 2-3 दिनों में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो यानी प्राइस राइज के साथ क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में बहुत अच्छा जंप आया, यानी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई गई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए कि निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनी है। और विक्स में आप देखेंगे कि विक्स में डिक्लाइन आया है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि PCR ट्रेंड का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो ऊपर चल रहा है और सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हो रहा है। फ्यूचर्स में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप है प्राइस राइज के साथ, और साथ में विक्स में डिक्लाइन आ रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स अगर हम कंबाइन करके एक पिक्चर बनाएं तो हमें निफ्टी में एक अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा, और ऐसा कोई हमें पैनिक अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली इस लेवल्स पे जो भी आपकी पोजीशन है आप उनको हेज करके चल सकते हैं विद अपवर्ड मोमेंटम ओनली। अब हम फ्रेंड्स ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी की। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि आप अगर स्ट्राइक प्राइसेस को देखें तो यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव OI दिखा रहे हैं। क्यूमुलेटिव OI मतलब कि जितनी भी वीकली एक्सपायरीज हैं आगे की, उन सब के OIs को कंबाइन करके वो आपको ज़्यादा अच्छी होलिस्टिक पिक्चर देता है अगर आप कंपेयर टू अगर आप एक एक्सपायरी की देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 14,000 में है, और जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 13,500 है, और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है वो 13,000 है। तो जैसा कि हमने बैंड में भी देखा था कि मेजर रेजिस्टेंस एरिया और मेजर सपोर्ट एरिया बीच में, लेकिन हमें एक फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 13,500 में देखने को मिल रहा है जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो यानी फर्स्ट सपोर्ट इज 13,500 एंड सेकंड सपोर्ट ऑब्वियसली इज 13,000 जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, एंड फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस इज 14,000। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम फ्राइडे की बात करें तो 13,700 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है, यानी 13,700 पे पीपल आर कंफर्टेबल टू राइट दी पुट्स। तो यानी ये हमें दिखा रहा है कि पैनिक नहीं है इस समय, और इतने हायर स्ट्राइक प्राइस में भी इतनी अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। उसके ऊपर ऑब्वियसली हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है,
अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 14,000 में ही है अभी। अब हम फ्रेंड्स लास्ट में जो बॉटम में हम टेबल दिखाते हैं जिसमें आप पूरी पिक्चर डिटेल में एक साथ देख लेते हैं, तो उसको देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि निफ्टी में लगातार पिछले 3 दिनों से लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि फ्यूचर्स का जो लॉन्ग बिल्डअप है वो बहुत अच्छा है। 16 ऑफ दिसंबर को बहुत अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ विद ए सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग, तो एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। और साथ में विक्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, कॉल राइटिंग बिल्कुल नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे हमें फिर से स्लाइट लॉन्ग पोजीशंस और उसके बाद भी लॉन्ग पोजीशंस यानी फ्राइडे को भी, तो यानी पुट राइटिंग और ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। तो ये हमें पूरी पिक्चर यहां दे रहा है कि जो है निफ्टी में फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन बन रही है और पुट राइटिंग भी बहुत अच्छी है इन स्ट्राइक प्राइसेस पे, जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस हैं। तो यानी एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूड है और मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी तरह से हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का प्लेआउट बन रहा है। तो हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का देखते हैं कि करंट पीसीआर लेवल जो है वो 0.97 है, स्लाइटली लेस देन 1। तो हम यहां पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी का हमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो अगर हम पीसीआर लेवल की बात करें तो पीसीआर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हमें ट्रेंड में ना तो ही कोई अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना ही डाउन ट्रेंड, तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है पीसीआर में जिगजैग पैटर्न में। तो यानी यहां पे देखें तो उसी लेवल पे पीसीआर लेवल है विद सम राइज एंड डिक्लाइन, तो ओवरऑल लेकिन वो फ्लैटिश ही है। और प्राइस हमें बैंक निफ्टी का थोड़ा सा राइज देखने को मिला है, तो यानी बैंक निफ्टी में हमें कुछ टाइम से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो हमें ब्रेकआउट देखना पड़ेगा उन आइदर साइड। लेकिन अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बैंड की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का जो बैंड है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो यानी एक पॉजिटिव साइन है स्लाइड, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस लेवल वही मेंटेन्ड है। लेकिन अब आप देखेंगे कि रेंज कितनी क्लोज हो गई है। जो फर्स्ट मेजर जो मेजर सपोर्ट जोन है वो 30,500 है और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 31,000 है, तो यानी 500 की रेंज बन रही है। तो इसको आइदर साइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा, फिर एक अच्छा ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा, हमें पीसीआर में भी देखने को मिलेगा और फ्यूचर्स की पोजीशन में। आप फ्यूचर्स की पोजीशन में भी देखेंगे तो जो फ्यूचर्स पोजीशंस थी वो बढ़ी, उसके बाद फिर हमें डिक्लाइन देखने को मिला, उसके बाद फ्लैटिश थी। तो आप देखेंगे कि प्राइस राइज के साथ फ्यूचर्स की पोजीशन में बहुत ज्यादा हमें कुछ ऐसा एक ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, हमें इसको क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा इस 500 पॉइंट की रेंज को, तो आइदर साइड ब्रेक होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने फ्राइडे को देखा कि बैंक निफ्टी में डिक्लाइन आया 30,300 तक और वो डिक्लाइन बाय हुआ, तो क्योंकि विक्स में कोई राइज नहीं हुआ था तो जो डिप है वो बाय हो रहे हैं, तो यानी बायर्स ऑलरेडी हैं इन लेवल्स पर भी बहुत अच्छे और वो पुश कर रहे हैं मार्केट को एक एक, एक प्राइस के बाद। तो यानी हो सकता है कि हमें बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक हमें जंप देखने को मिल सकता है, हो सकता है रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, बट अपनी पोजीशंस को हमें हेज करके चलना है क्योंकि टाइट कंसोलिडेशन एरिया है। तो आइदर साइड ब्रेकआउट हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी ऊपर के साइड की ज्यादा लग रही है, आप देख सकते हैं सुसा से, लेकिन अपनी पोजीशंस को हमें हेज करके चलना है। आप इंडिया विक्स को देखेंगे, अगर इंडिया विक्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में हमें पुल बैक देखने को मिला। अगर हम देखें मैक्स पेन एरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो अभी के ऑप्शन जो वीकली एक्सपायरी है, जो करंट वीकली एक्सपायरी है जो कि नेक्स्ट थर्सडे को होगी, तो उसके हिसाब से 30,500 से 30,800 का जो एरिया है वो हमारा मैक्स पेन एरिया बन रहा है। बट ये डेटा डेली चेंज होता है तो आपको नेक्स्ट 4 डेज भी इसको फॉलो करना है, क्योंकि ये जो भी OI चेंज होता है डेली का उसके हिसाब से ये जो ग्राफ है वो भी चेंज होता है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन को बैंक निफ्टी की, तो क्यूमुलेटिव OI हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो हमने देखा था कि 31,000 पे, तो मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 31,000 है, उसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट है वो हमें 30,500 पे मिलता है, उसके बाद 30,000 पे। तो हम देख सकते हैं कि 31,000 इज द मेजर रेजिस्टेंस एरिया, तो इसको हमें बहुत ध्यान में रखना है कि जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी का जो अपवर्ड मोमेंटम है वो कंटिन्यू नहीं होगा, इसको ब्रेक होना जरूरी है। अगर हम फ्राइडे को OI चेंज की बात करें तो OI चेंज में हमें 30,500 में पुट राइटिंग ज्यादा देखने को मिली एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, तो ये स्लाइट पॉजिटिव साइन है कि 30,500 पे पुट राइटर्स ज्यादा थे, तो यानी पुट राइटर्स आर कंफर्टेबल राइटिंग दी पुट्स। तो यानी एक क्योंकि डिप में बाइंग भी आई थी तो ऊपर को पुश किया गया बैंक निफ्टी को वहीं पे जो कि प्रीवियस क्लोज प्राइस था, तो यानी नीचे जब भी थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है तो लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं प्रीमियम के लिए, तो यानी पीपल आर कंफर्टेबल कि बहुत ज्यादा डिप नहीं आएगा यानी करेक्शन नहीं होगा और डिप जो है वो बाय होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बॉटम का जो टेबल है अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो लास्ट डे को अगर हम देखें तो हल्की सी स्लाइट हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली थी
और पुट राइटिंग ज्यादा थी एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। जैसा कि हमने देखा ओवरऑल पुट राइटिंग ज्यादा थी, लेकिन उससे प्रीवियस टू डेज में बहुत अच्छा लॉन्ग पोजीशन बना है बैंक निफ्टी में। आप देख सकते हैं प्राइस राइज के साथ एक अच्छा खासे लॉन्ग पोजीशंस बनी है विद पुट राइटिंग, तो पुट राइटिंग अच्छी रही और लॉन्ग पोजीशंस बनी। तो इस लेवल पे अगर हम बात करें 30,500 से ऊपर लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो हमें इनको फॉलो करना है कि ये लॉन्ग पोजीशंस अगर कंटिन्यू रहती हैं नेक्स्ट वीक भी, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि 31,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए। लेकिन हमें अपने जो पोजीशंस हैं उनको हेज करके चलना है विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 30,500। सो 30,500 इज द फर्स्ट सपोर्ट एरिया, उसके बाद 30,000 इज द लेवल टू वॉच टू। आइए फ्रेंड्स, लास्ट में अब हम FIIs का डेटा भी एनालाइज कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी अपने डिसीजंस लें FIIs के डेटा को भी कंसिडर करके लें। तो स्टार्ट विद द फ्यूचर पोजिशंस, आप देखेंगे कि निफ्टी के प्राइस के साथ आप जो येलो लाइन देख रहे हैं निफ्टी का जो प्राइस है क्लोज प्राइस, और उस जो फ्यूचर्स की जो बाइंग है यानी फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है अमाउंट में, तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा राइज है। यानी FIIs आर द नेट बायर्स इन फ्यूचर लॉन्ग पोजीशंस। तो जो इंडेक्स में हमें लॉन्ग पोजीशंस दिखी हैं उनमें मेजर पोर्शन जो है वो FII का है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडेक्स के लिए कि FIIs जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं इंडेक्स में। ओके तो अब हम उसको अगर ऑप्शंस के डेटा के साथ कंबाइन करके देखें, बिकॉज FIIs का जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स का डेटा है वो आपको नियर टर्म में ज्यादा अच्छी पिक्चर देता है। कैश मार्केट में तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं वो बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन करंट मंथ जो है वो अगर हम उसका ट्रेंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें तो फ्यूचर्स यानी डेरिवेटिव्स की पोजीशंस हमें ज्यादा अच्छी पिक्चर देती हैं। तो आप देखेंगे कि FIIs जो है कॉल्स भी बाय कर रहे हैं और पुट्स भी। तो अगर आप चेंज की बात करें तो इस ग्राफ में आप इसी ग्राफ को और डिटेल में देख सकते हैं जिसमें प्रीवियस डे से क्या चेंज होता है। तो यानी कॉल्स में हमें कॉल्स में भी बाइंग देखने को मिली और पुट्स में भी बाइंग देखने को मिली। पुट्स में वो इसलिए बाइंग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं और वो अपनी पोजीशंस को हेज करके चल रहे हैं इस लेवल पे, और कॉल्स वो खुद बाय कर रहे हैं बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अपवर्ड मोमेंटम इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो यानी इंडेक्स में वो कॉल्स भी बाय कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमें देखने वाला है। तो यानी हमें थोड़ा पॉजिटिव साइन ही मिल रहा है इंडेक्स के लिए FIIs के डेटा को देख के। और अब हम देख लेते हैं कि कैश मार्केट जो कि ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं, तो कैश मार्केट में हमें पूरे मंथ बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि लगातार दिसंबर के मंथ में भी बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है, कोई भी हमें ग्रीन नहीं देखने को मिला FIIs के डेटा में, और DIIs के कंपैरिजन में वो ज़्यादा ही बाइंग कर रहे हैं। अगर हम मंथ वाइज पिक्चर देखना चाहें तो हमारा जो बॉटम का ग्राफ है इस पेज में, आप देख सकते हैं कि दिसंबर के मंथ में उन्होंने 38,734 करोड़ की बाइंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यानी पिछले नवंबर को भी हमने देखा था कि उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बाइंग करी थी, वो बाइंग कंटिन्यू है, उसी मोमेंटम में कंटिन्यू है, और FIIs कैश मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग कर रही है, तो लिक्विडिटी मार्केट में बहुत हाई है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो को लेकर, सो प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, प्लीज आप अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और आपसे अच्छे इनसाइट्स को शेयर करते रहें। एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर डेली वीडियोज, वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियोज एंड डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज वीडियोज विच वी हैव स्टार्टेड पोस्टिंग रेगुलरली, इन विच यू विल सी हाउ डेरिवेटिव एनालिसिस इज परफॉर्म्ड एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज द डेरिवेटिव एनालिसिस एंड द इंडिकेटर्स विच वी हैव shown in our dashboard to get the great insights and take effective trading decisions. So friends, see you in another video. Take care and goodbye.